नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। हरियाणा में रुझानों के मुताबिक बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने जा रही है। रुझानों के मुताबिक बीजेपी हरियाणा में 49 सीटों पर चल रही है, जबकि कांग्रेस 36 सीटों पर आगे चल रही है। हरियाणा से बीजेपी के कद्दावर अनिल विज अंबाला कैंट सीट से पीछे चल रहे हैं और तोशाम से बीजेपी की श्रुति चौधरी आगे चल रही हैं। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हरियाणा में बीजेपी क्या हैट्रिक की ओर बढ़ रही है। आंकड़ा फिलहाल बीजेपी के पक्ष में इस लिहाज से दिख रहा है क्योंकि बीजेपी लगातार 46 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, माफ कीजिए 49 सीटों पर बीजेपी आगे है। तेजी से अपडेट हो रहा है टैली और हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी की वापसी होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस 32 सीटों पर आगे है, 4 सीटें जीत चुकी है। तो हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। रुझान अब नतीजों में तब्दील होने लगे हैं। आंकड़ा मिल रहा है, फरीदाबाद से बीजेपी के विपुल गोयल आगे हैं, बादशाहपुर से बीजेपी के राम नरवीर सिंह आगे हैं, तोशाम से बीजेपी की श्रुति चौधरी आगे हैं और गढ़ी संपाला किलोई से भूपेंद्र हुड्डा आगे हैं। आदमपुर से बीजेपी के भव्य बिश्नोई आगे चल रहे हैं, होडल से कांग्रेस के उदय भान आगे हैं। तो ये बड़ी अपडेट्स हैं, वो चेहरे जो प्रमुखता से छाए रहे और बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। सीधे अब आपको लिए चलते हैं चर्चा के लिए। हमारे सहयोगी दिल्ली से पवन गौड़ हमारे साथ आगे जुड़ रहे हैं। पवन, जो एग्जिट पोल्स में दिखाया जा रहा था रुझान, उसके ठीक उलट गए हैं। मतलब ये हरियाणा का जो दंगल है वो पलटा हुआ नजर आ रहा है। रुझानों में बीजेपी तेजी से आगे बढ़ रही है, बहुमत के आंकड़े के साथ दिख रही है, तो वहीं ताजा स्थिति में कांग्रेस पीछे है और इसी के साथ ही बहुत सारे सवाल भी खड़े होने शुरू हो गए हैं कांग्रेस की ओर से। देखिए, जाहिर तौर पर जब से जो एग्जिट पोल्स के जो नतीजे आए थे और उसके बाद में हमारी तमाम बीजेपी नेताओं से बात हुई तो उनका कहना यही था कि बीजेपी जो है जिस तरह से एग्जिट पोल्स आ रहे हैं उसके बिल्कुल उलट परिणाम आएगा, क्योंकि वो तमाम नेता वहां पूरे हरियाणा के अंदर प्रचार करके आए थे, बातचीत की थी, जनता से लगातार मिले थे, फीडबैक उनको जो बता रहा था तो कह रहे थे हम तीसरी बार फिर से सरकार बनाएंगे। तो ऐसे ही जब सुबह सुबह जब शुरुआती रुझान आया, रुझान आने के बाद में एक बार कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिखाया गया, लेकिन उसके बाद में जब रुझानों में परिवर्तन हुआ तो अब कहीं ना कहीं पिछले 2 से 3 घंटे से लगातार बीजेपी को रुझानों में कम से कम जो है वो अब बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि बीजेपी फिर से तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। सुबह से बीजेपी मुख्यालय में बहुत ज्यादा हलचल नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, चूंकि अब 1 बजे का समय हो गया है, तो यहां बीजेपी दफ्तर में तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं उनका पहुंचना शुरू हो गया है। चूंकि अब धीरे धीरे पार्टी दफ्तर में जैसे जो रुझान जो है वो परिणामों की तरफ सेटल होते जाएंगे तो उसके बाद में तमाम कार्यकर्ता और नेता यहां पहुंचेंगे और जश्न का माहौल यहां भी देखने को आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले तमाम नेता जो है कहीं ना कहीं इंतजार करना चाहते हैं। आपने सुबह सुबह कांग्रेस दफ्तर का आपने दृश्य देखा होगा, तमाम नेता जश्न मनाते हुए नजर आए, उसके बाद में जलेबी तक प्रधानमंत्री को भेजने की बात आई, लेकिन उसके बाद में जब जो शुरुआती रुझान थे वो परिवर्तित हुए और अब जो है कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो सरकार बनाते हुए रुझानों के हिसाब से नजर आ रही है। तो यहां तमाम पार्टी के नेता जो है पार्टी दफ्तर में पहुंचने लगे हैं, चाहे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह हो, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े हो, बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और लोकसभा सांसद अनिल बलूनी, संजय मयूखिस, तमाम नेता जो है पार्टी मुख्यालय में बने हुए हैं, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं कि एक बार ये रुझान जो है वो धीरे धीरे सेट होने लग जाए तो उसके बाद में बीजेपी मुख्यालय में भी जश्न का माहौल आपको देखने को मिलेगा, यहां भी जलेबियां बांटी जाएंगी। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का जलवा बरकरार है। सीएम धामी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का प्रचार किया था और जिसमें हरियाणा में सीएम ने 13 सीटों पर चुनाव प्रचार किया, 12 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट्स इस वक्त आगे चल रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में सीएम धामी ने 4 सीटों पर प्रचार किया था जिनमें 30 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्टार प्रचारक के रूप में जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ही जगह पर प्रचार के लिए गए थे। जम्मू कश्मीर में 4 सीट पर प्रचार किया, 3 पर भाजपा आगे चल रही है और हरियाणा में उन्होंने जितनी सीटों पर प्रचार किया सब पर भाजपा के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। 13 सीटों पर वो भाजपा के लिए वोट मांगने उतरे और 12 सीटों पर फिलहाल अपडेट के मुताबिक बीजेपी कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं।
और खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। बीजेपी ने उपचुनाव की सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार किया। बीजेपी की स्थानीय इकाई ने उपचुनाव की सीटों पर तीन तीन नाम तय किए। आरएलडी को मीरापुर सीट देने का निर्णय हुआ है। हालांकि निषाद पार्टी का फैसला केंद्रीय नेतृत्व मंत्री धर्मराज निषाद, अवधेश द्विवेदी, सुधीर सिंह, राणा रणधीर सिंह समेत कई नामों की चर्चा है। गाजियाबाद से अशोक संजीव शर्मा, गोरखनाथ के नाम की चर्चा है। कुंदरकी से दिनेश ठाकुर, रामवीर सिंह समेत कई नाम पैनल में शामिल किए गए की तैयारी में। तो बीजेपी की चर्चा है और वो सभी नाम फिलहाल चर्चा का विषय बने हुए हैं। नामों का पैनल तैयार किया गया है। उम्मीदवार कौन होगा? करहल से भाजपा कोई बड़ा चेहरा उतार सकती है मैदान में। अखिलेश यादव के हिमाचल के सम्मेलन में भाग लेने आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने इस सीट से तेज प्रताप यादव के चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई थी और एसपी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी उपचुनाव में सभी सीटें जीतेगी। आपको बता दें, तेज प्रताप यादव सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई रतन सिंह यादव के नाती हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। तेज प्रताप यादव साल 2014 में मैनपुरी लोकसभा सीट से उपचुनाव में पहली बार सांसद चुने गए थे। कि कहीं कोई खुला वोट में बूथ में नहीं होने पाए, जो वोट नहीं बने उनको वोट बनाइए, ऑनलाइन बना लीजिए, इलेक्शन कमीशन में सीधा जाता है, उसको मानना ही पड़ेगा। प्रोफेसर, 10 सीटों में से करहल विधानसभा आती, करहल सीट में चुनाव हो रहा है और आपने घोषित भी कर दिया तेज प्रताप जी यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी अपने पूरी दमखम दिखाते हुए थोड़े जा रहे हैं, जबकि उनका कहना यह है कि यहाँ तो पहले भी कहते थे, वो कह रहे थे। उत्तर प्रदेश के डीएम, एसपी, कमिश्नर्स और पुलिस आयुक्तों को आयकों को बराबर कर देना होगा। उन्होंने सम्मान पूर्वक ठीक वैसी ही कुर्सी पर बैठाना होगा जिस पर वो खुद विराजमान रहते हैं। यदि अधिकारी की कुर्सी पर तौलिया पड़ा है तो उन्हें विधायकों के लिए भी तौलिया लगी कुर्सी का इंतजाम करना होगा। अगर अधिकारी सोफे पर बैठे हैं तो विधायकों को भी सोफे पर बिठाना होगा। विधायकों की शिकायत पर स्पीकर सतीश कमिश्नर्स को पत्र भेजा है, तो शिकायत पर स्पीकर ने जैसी ही कुर्सी पर उन्हें भी बैठाना होगा। अगर उनकी कुर्सी पर तौलिया लगा है तो फिर जनप्रतिनिधियों की कुर्सी पर भी तौलिया बिछाना होगा। और इस शिकायत जो पहुंची स्पीकर के पास, उसके बाद उन्होंने कड़े निर्देश दिए। उधर योगी सरकार युद्धस्तगराज महाकुंभ की तैयारी शुरू कर चुकी है। महाकुंभ के लिए मंडल स्तरीय कुंभ समिट का आयोजन होगा। कलश यात्रा लखनऊ मंडल से शुरू होकर सभी 18 मंडलों से होकर प्रयागराज पहुंचेगी और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि प्रयागराज महाकुंभ के अंतिम चरण में तैयारी चल रही है और 2019 से महाकुंभ 2025 से दिव्य और भव्य होगा। 2019 में आयोजित अर्धकुंभ में 24 करोड़ श्रद्धालु शामिल हुए थे और अगले साल जनवरी में होने वाले महाकुंभ में देश दुनिया के 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शामिल होंगे। जयवीर ने कहा कि 10 दिसंबर के बाद पीएम प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। जयवीर सिंह ने राज्य के लोगों से कुंभ के आयोजन में शामिल होने की अपील की। देश विदेश में महाकुंभ का प्रचार प्रसार होगा। नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, कनाडा, कंबोडिया, साउथ कोरिया, सूरीनाम और थाईलैंड जैसे देशों में रोड शो होगा। 5 राज्यों के साथ एमओयू है और 6 के साथ होने जा रहा है। देश जितने भी ढाई पूरा के देश हैं, ढाई कंट्री ने, मॉरिशस है, कंबोडिया है, मेरे ख्याल से करीब आधा दर्जन देशों के साथ हम लोग दे रही है। इस समय आधा दर्जन प्रदेशों के साथ और 6 प्रदेश रहते हैं जिनके साथ एमओयू, मैं समझता हूँ अगले हफ्ते तक हो जाएगा। भदोई में रामलीला मंचन में बुलडोजर का प्रदर्शन भारी पड़ गया। बेकाबू बुलडोजर ने एक व्यक्ति को कुचल दिया जिससे वो घायल हो गया। उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल भर्ती करवाया गया है। यहां रामलीला के कुछ पात्रों को जेसीबी पर बिठाकर ले जाया जा रहा था, तभी जेसीबी बेकाबू हो गई। मौके पर मौजूद भीड़ में अफड़ा तफरी मच गई। कोईरौना थाना क्षेत्र के इनार गांव के रामलीला का आयोजन चल रहा है और यहां सीता स्वयंवर का मंचन हो रहा था, लेकिन मंच के पास पहुंचते ड्राइवर ने जेसीबी से नियंत्रण खो दिया जिससे मैदान में भगदड़ मच गई। बेकाबू जेसीबी ने झालर, ट्यूबलाइट की पोल और बैंड बाजे बजाने वाले लोगों को भी अपनी चपेट में ले लिया। hmm.
और खबर आगरा से, रोडवेज और प्राइवेट बस में टक्कर हो गई। हादसे में 20 से अधिक यात्री घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। आगरा बाह रोड पर यह हादसा हुआ है। तो हादसे में 20 से अधिक यात्री घायल हैं। आगरा बाह रोड पर यह हादसा हुआ है। रोडवेज और प्राइवेट बस में टक्कर हो गई है, जिसके बाद हादसे से जुड़ी यह तस्वीर सामने आई। आप जिसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयानक एक्सीडेंट था। 20 से ज्यादा यात्री इसमें घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए फौरन अस्पताल भर्ती कराया गया। आगरा बाहर रोड पर यह हादसा हुआ है। तो रोडवेज और प्राइवेट बस में टक्कर हो गई, तस्वीर उसकी हम आपको दिखा रहे हैं। ये आज लगभग 9:30 बजे गुढ़ा गांव में एक दो पक्ष थे, दोनों एक ही कुनबे के रहने वाले हैं, और इनके बीच में ट्रैक्टर को निकालने को लेकर के विवाद हुआ। उस क्रम में मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, रघुवीर सिंह, और उनके जो बड़े भाई हैं और उनकी पत्नी वगैरह को SN मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए ले जाया गया है। जो डेड बॉडी है वो हम लोगों ने मोर्चरी भिजवा दी है। यहाँ पे फील्ड यूनिट, SOG, सर्विलांस, सभी टीम्स आ गई हैं और जल्द ही इसमें गिरफ्तारी का प्रयास किया जाएगा। तहरीर प्राप्त करके मुकदमा लिखा जाएगा। फतेहपुर में अज्ञात गाड़ी ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई और दो की हालत नाजुक है। बाइक सवार थरियाव और फतेहपुर की ओर आ रहे थे और तीनों एक ही बाइक में सवार थे। थरियाव थाना के पूर्वी बाईपास पर यह हादसा हुआ। अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मारी, एक ही बाइक से जा रहे थे तीनों, ट्रिपलिंग करते हुए जा रहे थे और जिसके बाद यह हादसा हो गया। गाड़ी ने बाइक सवार तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक लड़के की मौत हो गई है और दो लड़के इसमें घायल हैं, अस्पताल पहुंचाए गए कर लगने से। एक की मौत और दो घायल। मरने में लगा है। अमेठी में कोचिंग पढ़कर घर जा रहे साइकिल सवार छात्र को डंपर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में छात्र की मौके पर मौत हो गई और घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए और भाग रहे ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस हादसे के बाद ग्रामीणों में जबरदस्त नाराजगी है। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के प्रतापगढ़ रोड पर यह हादसा हुआ है। तो गुस्साए लोगों ने हंगामा किया है। सड़क हादसे में एक छात्र की मौत हो गई है। टक्कर लगने से ये हादसा हुआ, जिसमें छात्र की जान चली गई। एक डंपर ने उसकी साइकिल को टक्कर मारी। बरेली में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए माफिया अशरफ के साले सद्दाम की फॉर्चूनर कार जब्त की। DM ने 11,50,000 की कीमत की फॉर्चूनर कार को जब्त किया है। आपको बता दें, अशरफ का साला सद्दाम बदायूं जिला जेल में बंद है। तो बदायूं जिले बंद है सद्दाम। अशरफ के साले सद्दाम की कार को जब्त कर लिया गया है। जिला प्रशासन ने कार जब्त कर ली है। उधर हरदोई में देवरिया जैसी वारदात हुई है। यहां बाइक सवार मंचले ने स्कूल से घर जा रही छात्राओं से छेड़खानी की और आरोप के मुताबिक बाइक सवार ने सड़क किनारे जा रही लड़की का दुपट्टा खींचा। और ये वीडियो हालांकि एक महीने पुराना बताया जा रहा है, मंचले बाइक सवार की करतूत CCTV में रिकॉर्ड हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस के अधिकारी छात्रा के परिजनों से मिलने पहुंचे। SP के मुताबिक मामले की जांच और कार्रवाई के लिए थाने की टीम लगाई गई है। कुछ छात्राएं स्कूल से अपने घर जा रहे थे, तभी बीच में गांव के पास एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आया और उसने बालिका से वधता की। पिता ने यह बताया कि उनको घटना की जानकारी हो गई थी, लेकिन उन्होंने थाने पे कोई भी प्रार्थना पत्र नहीं दिया था, ना ही उन्होंने पुलिस को कॉल किया था। मेरे द्वारा उनसे बात की गई है और उनसे अनुरोध किया गया कि इसमें तहरीर दें। तहरीर प्राप्त होते ही इसमें मुकदमा दर्ज करके निदानी कार्रवाई की जाएगी। मल्टीपल टीम्स इसमें लगी हुई है। और नोएडा में क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यहां एक आदमी से 61,35,000 रुपए की ठगी हुई। मोटे मुनाफे का झांसा देकर यह ठगी की गई। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज किया गया। क्रिप्टो करेंसी में 25 जून को संपर्क तोड़ दिया और उसके बाद उसे ठगी का एहसास हुआ। क्राइम की खड़ी हुई है, इसने मामला दर्ज कर लिया है। और झांसी में दबंगों ने कबाड़ की दुकान पर दो लड़कों को जमकर पीटा। मामला मोट कोतवाली इलाके का है। कबाड़ की दुकान पर दो लड़के मोटर बेचने आए थे और उस दौरान मामूली विवाद में दबंगों ने पिटाई की। पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस जल्द मारपीट करने वाले आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी।
गाजियाबाद में कुछ लड़कों ने एक लड़के की जमकर पिटाई की। इंदिरापुरम क्षेत्र के मकनपुर इलाके की यह तस्वीर है। कुछ लड़के, वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, कुछ लड़के एक लड़के को बुरी तरह से पीटने लगे और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। पीड़ित के पिता का कहना है कि कुछ लड़कों ने उनके बेटे को घर से ले जाकर इंदिरापुरम में हाथी पार्क में बुरी तरह से पीटा। पीड़ित लड़के के पिता ने इंदिरापुरम थाने में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई है। जौनपुर में मंदिर की जमीन को लेकर कुछ लोगों ने निषाद परिवार पर कहर बरपाया। इस मारपीट में 5 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत गंभीर है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सरपतहा थाना क्षेत्र के बरौद गांव की वारदात है। घटना की जानकारी मिलने पर शाहगंज के निषाद पार्टी के विधायक रमेश सिंह मौके पर पहुंचे और पीड़ितों से घटना के बारे में जानकारी ली। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल में जुट गई। हमीरपुर में कुछ लोगों ने प्रधान के पति पर हमला कर दिया। आरोप के मुताबिक लाठी डंडों और कुल्हाड़ी लिए लोगों ने कार सवार प्रधान प्रतिनिधि का रास्ता रोका और कार में तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, जान से मारने की नियत से फायरिंग भी की। आरोप के मुताबिक बदमाशों ने प्रधान प्रतिनिधि की कार में रखे 2.5 लाख रुपए भी छीन लिए, जान बचाकर भागे। प्रतिनिधि ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि चुनावी रंजिश के चलते गांव के लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। राट कोतवाली क्षेत्र के करगवा गांव की ये वारदात है और इस घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है। और खबर लखीमपुर से है। दोस्ती करने से मना करने पर मौलाना पर धमकी देने का आरोप लगा है। आरोपी मौलाना मसूद परचून और मोबाइल रिचार्ज की दुकान चलाता है। लड़की ने एक बार उसकी दुकान से रिचार्ज कराया था। मौलाना ने छात्रा का मोबाइल नंबर जान लिया और फिर मौलाना मसूद लगातार छात्र का पीछा करता है, छेड़खानी करता है, दोस्ती न करने पर अश्लील फोटो बनाकर वायरल करने की धमकी भी दे रहा है। आरोप ये कि छात्रा और उसके भी मौलाना को जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया है। मौलाना मसूद ने परेशान कर रखा है। कोचिंग जाते हैं मुझे छेड़खानी करने के लिए। उसने उन्हें मार डालने की धमकी दी है। तो क्या मतलब क्यों परेशान करते हैं? इस तरीके ब्लैकमेल वर्क करते हैं। हाँ, ब्लैकमेल। अब कहा फोटो आपकी वायरल कर देंगे तो आपके माँ बाप आत्महत्या कर लें शर्म के मारे। और मेरे भाई को मुझे मारने की जान से धमकी दी। क्या मांग करता है? तो पैसे भरो। बात करता करो मुझसे कहता है। उसने कहा मुझे हम तुमको फोन लेकर दे दें तो मुझसे बात करो। मैंने कहा हम नहीं बात करेंगे, इसलिए कहा कि तुमको जान से मार देंगे। लखनऊ के गोसाईगंज में पेट्रोल पंप से 7,63,000 रुपए की चोरी हुई और चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना सदरपुर कदोरा गांव की है। मैनेजर के ऑफिस में चोर खिड़की तोड़कर दाखिल हुआ और दराज में रखे 7 लाख कैश ले गया। बताया जा रहा है कि 2 नकाबपोश चोर थे जिन्होंने चोरी की थी। तो सदरपुर कदोरा गांव की यह घटना है और सीसीटीवी फुटेज इसके सामने है, जिससे पता चलता है कि किस तरह ये चोरी हुई है। लगभग 8 लाख की चोरी पेट्रोल पंप से की गई। उधर हरियाणा के नतीजों पर बोले हैं सिद्धार्थनाथ सिंह। राहुल गांधी को जलेबी भेजूंगा, ये कहना है सिद्धार्थनाथ सिंह का। प्रयागराज की जलेबी भिजवाऊंगा, ये कहा सिद्धार्थनाथ सिंह ने। तो राहुल गांधी को जलेबी भेजूंगा, ये कहा सिद्धार्थनाथ सिंह ने। प्रयागराज की जलेबी राहुल गांधी को भेजूंगा। हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव आए उनके नतीजे आज आ रहे हैं और उन्हीं नतीजों पर बोले हैं सिद्धार्थनाथ सिंह कि राहुल गांधी को मैं प्रयागराज की जलेबी भेजूंगा।